अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं मसूर अहमद और मैं हूँ सेना का होस्ट। गाइस, मैं आज आप लोगों को यहाँ पे जिम का एक और नई वीडियो में टूर करवाने वाला हूँ, जिसका नाम है फजल फिटनेस जोन, जो कि मेन मंजिल फार्म के बिल्कुल करीब है, मंजिल फार्म के बिल्कुल सामने है। और बाकी जो जितनी भी डिटेल्स होंगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूंगा। और इसके अलावा यहाँ पे जिम से रिलेटेड जितने भी मशीन्स हैं या टूअर्स वगैरह मैं आपको करवाऊंगा, और फीस से रिलेटेड जो डिटेल्स होंगी वो भी इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। आज हम जो है बैक का वर्कआउट करेंगे यहाँ पे, और चलिए स्टार्ट करें। अच्छा, तो अभी हमारे साथ फहीम भाई भी मौजूद हैं। सलाम वालेकुम फहीम भाई। सलाम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो फहीम भाई, आज जो है ना, सबसे पहले तो हमें जरा टूर करवा दो, थोड़ा सा ना हाँ मशीन वगैरह दिखा देते हैं। जी जी तो चलिए फहीम इंशाल्लाह। भाई, आज ना दिखा दें जरा। तो गाइस, आप लोग यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि तमाम जितने भी लेग्स की हैं। जी, ये नहीं, हाँ स्टार्ट में लेग प्रेस पड़ी हुई। अच्छा, इसकी दो कंबाइंड, ये लेग प्रेस है, ये वो भी एक लेग प्रेस, ये होगी सही, बैक साइड पर सही, और बाकी है अनस्ट्रिंग वगैरह। हाँ, लेग एक्सटेंशन देखने, बाकी सारी आप। और यानी कि ये बिल्कुल इम्पोर्टेड क्वालिटी, यानी कि बेस्ट बात है ना क्वालिटी। आप ये मशीनों की देख सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी में मशीन कितनी भी है। अलग अलग, ये नॉर्मल बिगनर लगा लेना, बाकी वो दूसरी लेग प्रेस पड़ी है बैक साइड, बाकी आगे आ जाए। ये लेग लेग एक्सटेंशन है सही, ट्रीसर बाइसेप की है सही है, चेस्ट प्रेस आ गया यहाँ पे यानी कि फ्लाई मशीन भी आ गया, और ये भी बैक का ही है। अच्छा फहीम भाई, अभी जो है ना हम लोग साथ साथ जो है ना वर्कआउट भी कर लेते हैं बैक का। सबसे आप हमें स्टार्ट करवा दो बैक का, कहाँ से शुरुआत करना है, वार्म अप करेंगे, वार्म अप भी करना है, पुल अप लगाएंगे, वार्म अप कहाँ से करना है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पुल अप करो। अच्छा, पुल अप लगा लूँ सबसे पहले, कितने लगाने? ये 12 लगाने, 12, 4, 5, शाबाश, 6, 7, 8, 9, 10, 1, लास्ट। अच्छा, जो मैं वर्कआउट करता हूँ ना बैक का, तो मैं पुल अप लगाता ही नहीं स्टार्टिंग में। अच्छा, नहीं लगानी चाहिए वार्म अप से स्टार्ट करें, मतलब जैसे सेट स्टार्ट करें तो चार एंगल लगाएंगे पुल अप वार्म अप, उसके बाद दोबारा यही लगाएं। हाँ, एक सेट और लगाने फिर एक के बाद स्टार्ट कर दूंगा। सही सही। 1, 2, 3, 4, 1, 2। तो ये वार्म अप हो गया यहाँ पर, यहाँ पर हो गया। अभी स्टार्ट, चार सेट लगेंगे। ठीक है, ये पुल डाउन भी, पुल डाउन से पहले जो होगा वार्म अप होगा, बाकी 3 सेट प्रॉपर लगाएंगे। ठीक है, वेट सही है? नहीं, वेट बढ़ा दें, बढ़ा दें, देखता हूँ मैं लगा पाता हूँ कि नहीं। स्टार्ट यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, two more. 1, 2. अच्छा, अभी एक सेट रहता है इसका, एक और एक सेट बढ़ाने के बाद कितने हो जाएंगे वेट? 50? अभी फिलहाल अभी पड़ा हुआ 40 पड़ा हुआ, अभी 60 कर देंगे, लास्ट सेट है ना इसमें। चलो तकरीबन 62 तो मेरा अपना वेट है, इसलिए नहीं उठ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, वेरी गुड, 6, 7, 8, 9, 10। मेरा नहीं ना, फिर रहा बस बस, आपको मैंने बुलाया था ना 10 सेट। हाँ, क्योंकि अभी लाइव सेट हो, क्योंकि अभी पहला ही सेट चल रहा है हमारा, तो अभी और भी कितने लगाने हैं तकरीबन? अभी 5 सेट लगाने हैं बस, 3, यानी 3 से 4, नहीं 5, नहीं एंगल कितने लगेंगे? एंगल 5 लगेंगे। अच्छा, एंगल 5 लगेंगे। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट में, ये हमारा फर्स्ट, ठीक है फर्स्ट होगी ना, बैंड ओवर रोड लगा। चलो, आ जाओ, साथ साथ में आपको मशीनें भी दिखा देता हूँ। वेट डालो, ये सामने पड़ी, नहीं नहीं ये पड़ी है लेफ्ट साइड, ये डालो। अब ये देख सकते हो कि 10 kg का है भाई। ग्रिप चेक करना फहीम भाई, ये ग्रिप यहाँ से सही है? ठीक है, यहाँ से पकड़, सही है ना? सही सही, यहाँ से दिखा दो ग्रिप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, last,
टू बेल्ट पहन ले बेल्ट। अच्छा इसमें जो है ना खास होगा आप लोगों को ब्रांड ओवर रोज में तो जरूरी है बेल्ट, ठीक है। जब आपका वेट ज्यादा होगा अक्सर इंजरी हो जाती है, इंजरी हो जाती है तो उसके लिए लाजमी ज्यादा हेवी वेट उठाना। खासतौर पर बिगनर जो करते हैं ना वो जब वेट हेवी करते हैं, जब प्लेटें मेरे को बड़ी पसंद आ रही है, यूँ देख के मुझे लग रहा था कि शायद 20 केजी है। हाँ अक्सर लोग ये नहीं उठाते डायरेक्ट छोटी प्लेट 10 की वो उठाते, मुझे लग रहा था शायद वो 10 केजी की है। हाँ तो अभी हमारा जो वेट है तकरीबन 60 केजी है, 20 केजी रोड भी है। कितना ये 20 केजी 22 है लेकिन 20 है। अच्छा मैं भी तकरीबन इतना ही वेट लगा ही लेता हूँ, इससे ज़्यादा फिर वो फिर अलग बात है। लेकिन यहाँ पे ज़रा रोड जो है ना हेवी है, वहाँ हमारा तो थोड़ा ज़रा ठीक है वो। चलो हेलो 1 2 3 4 5 6 वेरी गुड 7 8 9 10 1 2 तक नीचे रहे। मैं यानी कि काफ़ी टाइम बाद किसी के अंडर में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और खुद ट्रेनिंग करना और किसी के अंडर में ट्रेनिंग करने में बहुत फर्क होता है। खुद बंदा हल्की फुल्की भी लगा के निकल जाता है, खुद बंदा कहीं कहीं स्किप भी कर देता है यार, सही बात है, जान छुड़ा देता है, जहाँ उसको मजा नहीं आ रहा था छोड़ देता है। लेकिन जब कोई ट्रेनर होता है आपके ऊपर तो उसकी ट्रेनिंग अलग होती है, वो फिर आपको जब ज़बरदस्ती लगवाता है ना तो फिर फट के आ जाती है। अभी आपको लगाने हैं टी बार। अच्छा नेक्स्ट कौन सा? टी बार। टी बार चलो टी बार भी देखते हैं। आ जाओ राइट सर, 20 से कर दो। 20 कर दो जी, 20 कर देते हैं। अच्छा टी बार भी आप लोग दे सकते हैं, ज्यादातर लोग मैनुअल की बार होता है। हाँ वो भी बड़ा हुआ मौजूद है लेकिन अक्सर ये लगा। हाँ ये जरा मैं लगा के चेक करता हूँ कि ये है कैसा, तो बड़ा अच्छा लोड आता है। पोजीशन सही है मेरी यहाँ पैरों की? जी जी क्लोज कर दो, क्लोज कर दो जी जी ठीक। 1 2 3 4 5 1 2 स्मूथ है और स्ट्रेचिंग भी अच्छी हो रही है। अगर मैनुअल में लगाते हैं तो उसमें जब हैवी करते हैं तो वो बिल्कुल बॉडी वेट के साथ हम लोग आगे आ जाते हैं। तो इसमें इसकी पोजीशन ऐसी दी गई है ना कि बिल्कुल पैर जो है ना वहाँ पे फिक्स रहे, लगाते हुए जरा पता लगता है कि थोड़ा हैवी है। ये जो है ना फोल्ड करके बैक पे तो ये बैक की बैंड ओवर रोड की तरफ, ये दोनों एंगल ये वाली टू बार है। हाँ एक बोल की जो लगाते हैं इसमें, ये तो मुझे लगता है मैं 20 के जी से तो आगे जाऊंगा नहीं। आगे से ये बहुत ज्यादा हार्ड है ये। हाँ चल 1 2 3 4 5 6 ऊपर लेके जाए 7 वेरी गुड 8 9 10 1 2 जबरदस्त। मैं इसको आसान समझ रहा था। हाँ दिखने में बहुत आसान है। हाँ लेकिन पता लगता है उसको जो लगा रहा होगा। अच्छा ये हमारा स्मिथ है जी, जी स्मिथ ठीक है यस। और बाकी ये बॉडी वेट चेकिंग है या बीएमआर? ये लेडीज की। अच्छा लेडीज की। लेडीज क्या करती है यहाँ पे? ये वो प्रेगनेंसी वगैरह में। तो चलो नेक्स्ट सेंगे अभी साइड डंबल लगा बेंच पे जी, बेंच भी लगाए। अच्छा बेंच भी आप लोग देख सकते हैं, अलग अलग बेंच है, यानी कि आपको पार्क बैठना नहीं पड़ेगा, जैसे ही आएंगे अपना वेट लगा सकते हैं बिना वेट किए। अच्छा अभी हमारा जो है ना इसका लास्ट सेट है जी जी, और वेट हमारा है 30 और लगाते हैं इसको 1 2 3 शाबाश 4 5 6 7 8 10 लगाना 9 लास्ट 10 1 2 3 4 5
फाइव सिक्स सेवन एट नाइन लास्ट टेन। अभी पंप हो गया बॉडी माशाल्लाह बहुत गला खुश हो रहा है मेरा। वेट सही है? वेट हाँ ठीक है। कितना है तकरीबन? छोटी प्लेट सारे में फाइव फाइव वाली की फाइव के जी है एक है ठीक है। अच्छा तो गाइज अभी हम लोग आए हैं फाद भाई जो के ओनर हैं माशाल्लाह से यहाँ पे, और इसके अलावा भी बहुत सारे जिम जो है ना इनके अंदर में हैं, और यहाँ पे खास तौर पे आप खुद ही होते हैं। अच्छा यहाँ पे फाद भाई यहाँ पे कितने बजे होते हैं फाद भाई? यहाँ पे शाम में पाँच से लेकर बारह एक बजे तक यहीं होते हैं, और इसके अलावा ट्रेनिंग भी आप अभी खुद दे रहे हो? अच्छा तो इसके अलावा यानी कि आपकी पर्सनल ट्रेनिंग फीस वगैरह क्या चल रही है? जो हमारी पर्सनल ट्रेनिंग की फीस है वो 10,000 रुपए इस एरिया के हिसाब से, वैसे जो दूसरे जिम है उनमें ज्यादा है क्योंकि एरिया थोड़ा सा ऐसा है कि हम फीस कम अफोर्ड कर सकते हैं, तो यहाँ 10,000 रखिए नॉर्मल, मतलब जो जो हमसे करेंगे ना जो मुझसे करेगा उसके 10,000। अच्छा सिर्फ आप ट्रेनिंग दे रहे हो या फजल भाई भी ट्रेनिंग दे रहे हैं? वो यहाँ ट्रेनिंग देते हैं, वो अपने जिम में उनका जेनेटिक्स जिम है। अच्छा वो वहाँ टाइम देते हैं और वहीं पर अपनी ट्रेनिंग देते हैं, उनकी फीस थोड़ी ज्यादा है। सही उनकी 15,000 है, वो तो उनकी होनी चाहिए ना, उनकी मेहनत है, एक तजुर्बा है, एक टाइम लगाया उन्होंने, तो वो तो उनके उस हिसाब से उनकी फीस होनी चाहिए। फजल भाई की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ जेनेटिक्स की, वो भी मैं मेंशन कर दूंगा, वो आप देख सकते हैं, और बाकी मैंने एनवायरनमेंट भी इनको दिखा दी है, और बड़ी बड़ी आपकी मेहरबानी भी जो आप फाद भाई ने मुझे मौका दिया यहाँ पे। कोई आए हमारे रेफरेंस से कितना हो सकता है? आपके रेफरेंस से अगर कोई आता है तो उसको हम डिस्काउंट देंगे, लाजमी डिस्काउंट देंगे। चले इंशाल्लाह, बस फाद भाई ने बोल दिया आप आ जाएं, एडमिशन लें, खास तौर पर यहाँ कजाफी टाउन से करीब हैं, इसके अलावा लांडी से भी, क्योंकि ऐसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि यहाँ पे जो है ना लांडी कुरंगी और यहाँ कजाफी टाउन कैदाबाद तावचुरंगी यहाँ पे आसपास ऐसे आपको ऐसा जिम तो आपको मिलेगा ही नहीं, ये तो मैं गारंटी यहाँ पे दे सकता हूँ। जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे फीमेल भी बिल्कुल आ सकती हैं, सेपरेट टाइमिंग भी है, कंबाइन भी है, अगर किसी ने सेपरेट में करना है सेपरेट में भी कर सकते हैं, अगर कंबाइन में करना है कंबाइन में कर सकते हैं, ठीक है, तो कोई वो नहीं है। माहौल भी अच्छा है, ट्रेनर भी अच्छे रखे हमने, और उसके अलावा ये कि हमने सोचा था कि यहाँ एक ऐसा जिम है जो शहर साइड पे भी ना हो, जो मतलब डिफेंस में या ताई रोड में जैसे जिम है उसी टाइप का जिम एक यहाँ बना है ताकि यहाँ के लोगों को दूर ना जाना। हमें भी यही शिकायत थी, देखो लोग जो है ना शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पे ऐसा जिम है नहीं, बस ये आप लोग मैंने आपको दिखा दिया, अभी मैं अभी बस कम्प्लीट कर रहा हूँ क्योंकि फाद भाई की कॉल आ रही है, तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, और ये हमारा है लास्ट सेट, और अगर आप लोगों के कोई सवाल वगैरह हो तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, एड्रेस भी मैं मेंशन करूँगा जितनी भी डिटेल्स होंगी। फहीम भाई एड्रेस बता देना जरा एड्रेस को हमारे, कैदाबाद ग्रीन कैदाबाद मंजिल फॉर्म के बिल्कुल बराबर में लेफ्ट साइड पे, ये इधर बड़ा बड़ा लिखा हुआ, खुद ही आप देखेंगे जब भी अगर विजिट करें। फजल फिटनेस, फजल फिटनेस, फजल फिटनेस, एक इनका ब्रांच है जो कि तारिक रोड में, जेनेटिक्स नाम से, एक तो जेनेटिक्स है तारिक रोड में, तारिक रोड एक यहाँ पे भी कैदाबाद में, कैदाबाद मेन मार्केट है कैदाबाद की, वो अलग है, और ये सेकंड ब्रांच है उनका, ये सेकंड, हाँ ये सेकंड है, ये सेकंड ब्रांच है जो कि मंजिल फॉर्म के बिल्कुल ठीक सामने, पुल के बिल्कुल ठीक सामने होगा, और ये अब हम लास्ट सेटअप में लगाएंगे। चलो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टू मोर वन टू। और यहाँ पे हमारे कितने एंगल लगाए हमने? चार फाइव लग गए, फाइव एंगल लगा लिए, ठीक है। ये जितना था हमारा बैक का वर्कआउट था, और मुझसे बोला नहीं जा रहा है अभी भी सांस फूल के, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट किया है इसमें आज। बहुत बहुत शुक्रिया फहीम भाई जिन्होंने टाइम दिया यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।